अब मैं सब स्टेट से निकला हूँ, केरला से सबसे घूम के निकला हूँ। स्टेट के बारे में अलग 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 चीज़ें दिखाई देती हैं, पॉलिटिक्स के बारे में भी अलग चीज़ें दिखती हैं, पार्टी के बारे में भी, पार्टी का स्ट्रक्चर क्या है, कैसा चलता है, वो भी दिखता है। मगर मैंने एक चीज़ नोट की, केरला में जो लोकल बॉडी वाले लोग थे वो फर्स्ट लाइन में चल रहे थे और उनको मतलब जो सीनियर नेता थे वो हटा नहीं पा रहे थे। मैं ये समझना चाह रहा था कि केरला में वो अपनी पोजीशन कैसे बना लेते हैं और यहाँ पे जो शायद आपकी पोजीशन होनी चाहिए वो आप क्यों नहीं बना पा रहे। पहले हमारा जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वो उत्तम होता था, हमारी जो पीपीसी ऊपर होती थी, एआईसीसी ऊपर, अब वो लोग ऊपर आ गए जो कांग्रेस की उनके घरों में चले गए, लीडर्स के घरों में। ये दैट इज द मेन प्रॉब्लम इन पंजाब। मगर चुनाव में आपके बिना एमएलए तो जीत नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो फिर वो जानता है कि अगले चुनाव में भी इनकी जरूरत पड़ेगी, फिर वो आपको मतलब इन्वॉल्व क्यों नहीं करता। सर वहाँ एक प्रॉब्लम आती है, मैं एक्टिव मान लो पंजाबी का क्लब ठोकन लग पैंदे है कि बैकअप कर दियो कि कंपटीटर बन जाएगा, एक बार लड़ेगा, दो बार लड़ेगा, चार बार हट जाता पीछे, जस्ट लाइक एज मी। आप हटे हुए नहीं लगते हो आप तो मतलब आपका तो एटीट्यूड अप्रोच मंत्री जैसा है जो लोग दूसरी पार्टियों से आकर टिकट ले जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, उनको कांग्रेस पार्टी के कल्चर के बारे में पता नहीं होता। वो अपने साथ 10-12 आदमी और ले आता है, जब सरकार जाती है, सरकार जाने के वो पार्टी चेंज कर जाते हैं और वो अपने जो गलत आदमी हैं वो आगे हो जाते हैं और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। मुझे ये भी लगता है कि जब हमारी सरकार आती है तो एमएलए ज़रूर मतलब डोमिनेट करता है, मगर ब्यूरोक्रेसी भी डोमिनेट करती है और हमारे जो लोग हैं वो मतलब उनको जो एक्सेस मिलनी चाहिए, पावर मिलनी चाहिए, जो जो नींव के लोग हैं, आप लोग हैं, उनको वो मिलती नहीं। तो पंचायत प्रतिनिधियों को तो ब्यूरोक्रेसी बहुत ही ज़्यादा हावी करती है, क्योंकि अफसरां दे नाल सरपंच एक 10,000 रुपया नहीं पंचायत चो कढ़ा सकदा सैकटरी तो बगैर। साडे को पावर ही है नहीं गी, बिल्कुल ही कोई पावर है नहीं गी। इस सरकार में सर 50% जो वुमन के लिए रिजर्व हुआ ना पंजाब, उससे बहुत वुमन आगे आई, उससे फायदा हुआ, लेडीज जो ना बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत अच्छा मतलब कर रही है लेडीज। तो जो लोकल बॉडी के लोग होते हैं कांग्रेस पार्टी में, उनको उनका अधिकार क्या होना चाहिए? लीडर इजली मिले, क्योंकि जब तो हमें नीड होती है तो हम वर्कर के घर पर जाते हैं, लेकिन जब वर्कर को नीड होती है तो लीडर नहीं मिलता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सर लोकल बॉडी लेवल पे डाटा लेना चाहिए हाईकमांड को, जो दो बार लगातार अपोजिशन में भी जीत के आ रहा है उसको फिर पार्टी के अंदर भी वो सम्मान मिलना चाहिए, और वो ऊपर से ही होगा, नीचे उनको कोई नहीं देगा। अगर हमारी पार्टी ऐसा कुछ करे कि एक डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग रखी जाए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाने के लिए, वेयर ऑल द सरपंचेस एंड एमसी आर इनवाइटेड, तो उनमें मतलब कुछ नुमाइंदे रख दो कि जो पार्टी के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं, तो सर वो अपने डिस्ट्रिक्ट में बैठ के ही सिलेक्शन होनी चाहिए। वो ओनली डिस्ट्रिक्ट दे विच होके मुड़ जाते हैं। आप जी ने बहुत अच्छा किया, ग्राउंड लेवल में हमारी बात सुनी है। मेरी मदर को मेरी बहन ने फोटो भेजी और मेरी मदर ने वो व्हाट्सएप पे मेरी मदर ने रिप्लाई किया, ये बिल्कुल राहुल जैसा लगता है। हम परिवार सब इकट्ठे होकर यूथ कांग्रेस के माध्यम से आज एमएलए भी हैं और प्रेसिडेंट भी हैं। मेरा ये मानना है कि ये सब बोल रहे हैं कि एमएलए ये डोमिनेट करते हैं, अपनी काम करते जाओ, कोई भी आपको डोमिनेट नहीं करेगा। आपको जैसे आप राहुल जी ने इधर मौका दिया है आपको मिलने का, ये एक माध्यम है, जैसे यूथ कांग्रेस अगर इलेक्शन ना होती तो शायद आपको मिलने का मौका नहीं मिलता।